हेलो एवरीवन, आज मैं इफेक्टिव लर्निंग की बात करने वाला हूँ कि आखिर वो कौन से टेक्निक हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की और इफेक्टिवली लर्निंग हो और लॉन्ग टर्म तक वो उसे याद रहे। आम स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम में सब भूल जाते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है कि लंबे दिनों तक नहीं याद रख पाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि 95% स्टूडेंट एक तो यह है कि पढ़ाई के गलत तरीक़ों को अपना लेते हैं। हम एक बड़े साइंटिस्ट हैं फ्रायड, वो कहते हैं कि माइंड जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड होता है। हम किसी भी चीज़ों को दो तरीके से सीखते हैं, एक कॉन्शसली सीखते हैं और दूसरा अनकॉन्शसली सीखते हैं, चेतन तरीके से सीखते हैं, चेतन माइंड में मस्तिष्क में कोई बात सीखते हैं तो बहुत ही प्रयास करके उस चीज़ को सीखते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिव लर्नर। सपोज हमने मेहनत करके जिम किया और बॉडी बनाया, तो ये मेहनत करके हम सीख रहे हैं, ये एक्टिव लर्नर है। और कोई व्यक्ति बचपन से कप में चाय पीना सीखता है, गिलास में पानी पीना सीखता है, खाना खाना सीखता है, इसके लिए वो स्पेशली ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अनकॉन्शस माइंड से जैसे आपने मोबाइल चलाना सीखा, धीरे धीरे आपने चलाना सीख लिया देख देख करके, ये अनकॉन्शसली आप इस चीज़ को सीख पाते हैं। लेकिन कॉन्शसली हम लोग जब सीखते हैं, सपोज कि कोई गेंद आ रही है, बॉल आ रही है, क्रिकेटर उस बॉल को कैसे मारेगा वो बहुत कॉन्शस होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव लर्नर। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करने की वजह से आम विद्यार्थी लंबी अवधि तक याद नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में बहुत सारे पॉइंट्स को भूल जाते हैं। उसकी वजह क्या क्या है उसको हमें जानना ज़रूरी है। तो हम लोग को एक्टिव लर्नर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्रेन को एक स्टिमुलेशन मिलता है, ब्रेन को पावर मिलता है, ब्रेन पे एक प्रेशर जाता है। जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, सपोज आप बॉडी बनाना चाहते हो, तो आपके बॉडी पे एक प्रेशर होना चाहिए। जिम पे आप जिम में जा करके आप जब तक प्रेशर नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो वो बॉडी आपका नहीं फॉर्म करेगा। उसी तरह किसी भी चीज़ को, सोना को बनने के लिए तपना पड़ता है आग में, उसी तरह दिमाग को आपको तपाना पड़ेगा। आप पैसिव लर्नर होकर के आप किसी चीज को मान लो पढ़ रहे हो, एज इट इज पढ़ रहे हो, तो वो आपको ज्यादा फायदा देने वाला नहीं है। कैसे पढ़ते एज इट इज, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। सबसे पहले ये है कि आप किसी भी चीज़ को सीखें तो एक साइंटिफिक अप्रोच से सीखें। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या है, आप चैप्टर वाइज बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से विषय के सारे बिंदु पर आप ध्यान दो और किताब बंद करके आप दिमाग पर जोर दो। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, आपको सबसे ज़्यादा भरोसा अपने दिमाग पर होना चाहिए। आप किताब बंद करो और सोचो कि आपने स्पॉन्टेनियसली आपने क्या क्या सीखा है। आप किसी से सपोर्ट मत लो, किसी से का अर्थ है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सपोर्ट मत लो, आप ऑप्शन का सपोर्ट मत लो, माइंड को अपना दोस्त बनाओ और साइंटिफिक अप्रोच से चलो। एक ही टॉपिक को एक बार में पढ़ो, ऐसे टॉपिक पढ़ो जिसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन हो, एक ही चैप्टर से रिलेटेड हो और ऑप्शन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। और फिर सोचो, रिकॉल करो, सपोज अगर आपको कोई कहता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप इसका उत्तर जो देंगे बिना ऑप्शन के तो आप देंगे दिल्ली। लेकिन सपोज आपको कोई कहता है कि भारत में कितने प्रकार की भैंसें हैं, भैंस की कितनी प्रजातियां हैं, कितनी रेसेस है, तो आपको अगर ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दिमाग पे इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, दिमाग पे जोर नहीं दे रहे हैं। आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए। अगर भारत में भैंस की प्रजातियों की संख्या आपको पता है तो 40 है या 32 है या 72 है या 77 है या 240 है, 222, आपको अपने दिमाग पे अगर आप इंसिस्ट करोगे
तो वो ज्यादा लंबी अवधि तक चलता है। आप रिकॉल करो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है बार बार। लेकिन रिवाइज करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप सपोर्ट कम से कम लो, ना के बराबर लो। आप किसी भी क्वेश्चन को सुनो तो आपका दिमाग उसका उत्तर करता है कॉन्शस माइंड से या अनकॉन्शस माइंड से। जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो अनकॉन्शसली आंसर करते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, अनकॉन्शसली आंसर जाता है दिल्ली पे। अगर किसी को ये बात याद नहीं है तो वो कुछ और भी अनकॉन्शसली आंसर कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आने के लिए बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आपको एक एक्टिव लर्नर बनना है। एक और बात, जब हम पैसिव लर्नर होते हैं तो आम तौर पे हम कोई भी बात, कोई भी प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना याद रहता है। एक महीने के बाद अगर आप देखिएगा तो आप मुश्किल से 10% उस चैप्टर में आपको याद होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट, इवन मैथमेटिक्स के इक्वेशन हो, वो ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं रह पाते हैं। तो आपके लिए कुछ सुझाव है, इसको सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग चीज़ों को एडॉप्ट करना सीखते हैं, इंटरनलाइज करना सीखते हैं। किस प्रकार हम सोशलाइजेशन हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। तो इफेक्टिव लर्नर के लिए हम कुछ आपको पॉइंट्स बता रहे हैं कि आप किस प्रकार अपनी बातों को कॉन्शस माइंड में, यानी आपके दिमाग की जो ओरिजिनल मेमोरी है, स्ट्रांग मेमोरी है, वो क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए और वो बात आपको हमेशा याद रहे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप एक्टिव लर्नर बने। एक्टिव लर्नर का अर्थ है आप अपने दिमाग पे जोर दें, आप अपने दिमाग पे प्रेशर दें, आप अपने दिमाग से पूछें कि इस सवाल का क्या जवाब है। आप डायरेक्ट जवाब को मत देखें। सपोज आपको ऑप्शन है कि भारत की राजधानी कहाँ है, आप ऑप्शन बिल्कुल ना देखें। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप पैसिव लर्नर हो जाते हैं, आपकी मेमोरी कम हो जाती है, वो मेमोरी आपकी पैसिव लर्नर होती है और लंबी अवधि तक नहीं चलेगी। आप हजारों क्वेश्चन आपके दिमाग से गुजरा है लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं, उसकी वजह यही है कि आप पैसिव लर्नर हैं। दूसरा अहम बात, रिवाइज, उसको आपको बार बार करना है। रिवीजन करने से आपका जो पैसिव लर्निंग है वो एक्टिव लर्निंग में बदल जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर देना है, किसी का सहारा नहीं लेना है, अपने दिमाग को क्या करें कि इंसिस्ट करना है, प्रेशर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है ताकि लॉन्ग टर्म में आपको एक अहम बात मदद। आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप जो आज पढ़ते हैं और उसको दो दिन के बाद फिर रिवीजन करें, फिर उसको आप सुने, उसको याद करें और दिमाग में रिकॉल करें कि आपने कितना रिसीव किया है, फिर उसी चीज़ को आप 4 दिन के बाद फिर सुने, फिर 6ठे दिन के बाद सुने। हर 3 दिन 4 दिन पे आप इसका रिवीजन करें और दिमाग पे एक स्ट्रक्चर बनाएं कि आपने क्या अचीव किया है और साथ में जो चीज़ आपकी मिसिंग है उसके बाद आप किताब देखने की कोशिश करें, उसके बाद मिसिंग जो एलिमेंट है, जो फैक्ट्स है, उसके बाद उसको देखने की कोशिश करें। तो ये रिवीजन जो है एक कमाल लेकर के आएगा आपकी ज़िंदगी में और आपको एक एक्टिव लर्नर बनाएगा। लेकिन रिवीजन का तरीका ये हो कि आपके दिमाग पे ज़्यादा दबाव पड़े। आप जब रिवीजन करें तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन के तरफ रिवीजन ना करें, एक ऐसे इक्वेशन से रिवीजन ना करें जो आप ऑलरेडी देख करके आप काम ना करें। आप देख लें एक बार और उसके बाद रिवीजन करें। तो जब आप रिवीजन करें, रिवीजन फ्रिक्वेंट हो, 2 दिन पे हो, जो वीडियो आज आपने देखी है फिर उसको 2 दिन बाद देखें, फिर उसको 4 दिन बाद देखें। बार बार आप कोई भी चीज़, सपोज आप ये वीडियो जो आप सुन रहे हैं अभी, जो आपने इफेक्टिव लर्निंग की टेक्निक सुनी है, ये आपको 3-4 दिन से ज़्यादा दिमाग में याद नहीं रहेगा, तो इसको भी आप 2 दिन के बाद सुन लें। जब आप 5-10 बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है। तो बहरहाल
आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन पे 2 दिन पे रिवीजन करें, फिर बार बार रिवीजन करें, और जो मिसिंग है उसको खोल करके देखें। आपको इससे आप एक्टिव लर्नर हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में धोखा नहीं मिलेगा, आपको एग्ज़ाम में सारी चीज़ें याद रहेगी, एग्ज़ाम फोबिया भी नहीं होगा, एग्ज़ाम से फियर भी नहीं होगा, और आप बहुत कॉन्फिडेंट में रहेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग